सो गाइस यहाँ पे ना मैंने पूरी तैयारी कर दी है और बाकी मम्मी भी आ गई है, नीता भी तैयार हो गई है यहाँ पे। तो उपलक्ष्य में होता है कि आज जो की बालिया ना सबके सर पे रखते हैं और टीका चंदन लगा के मतलब मिठाई लगा के संक्रांति मनाते हैं और भगवान कॉफी। और यहाँ पे देखिए फिर से कचरी दर के लिए आई है, जब तक छत में कपड़े लेने के लिए, और बाकी मम्मी ना पहले से पहुंच रखे हैं कपड़े लेने के लिए, देख सकते हो आप कार्ड की, हम कार्ड की वीडियो बना रहे हैं, कार्ड बोलते हैं कार्ड कार्ड की वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हो हम डेकोरेशन किया है। अच्छा लग रहा है आपको है? अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इमोशनल वाली फीलिंग तो नहीं आ रही? नहीं तो की पूजा की शादी हो रही तो यहाँ पे ले आई मैं टीका जौ और ये मुंह मीठा करने के लिए। पहले भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद ना मुंह मीठा करेंगे मम्मी नित्या का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी मस्त हैं। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, मेरा नाम है सरोज और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरोज ढोनियाल ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में ना खिलखिलाने वाली धूप आ गई है, और आज है 14 फरवरी और आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी का जो संक्रांति और त्यौहार होता है ना, वो इस उपलक्ष्य में होता है कि आज जो की बालियां ना सबके सर पर रखते हैं और टीका चंदन लगा के मतलब मिठाई लगा के संक्रांति मनाते हैं और भगवान जी को भोग लगाते हैं। मीठा बना दिया और पूरी जो भी अपनी आवश्यकता अनुसार बनाते हैं लोग, पूरी सब्जी पकौड़ी जो भी मतलब अपनी सुविधा अनुसार बनाते हैं। तो हमने भी बना रखा है, रोटी बना रखी है, सब्जी बना रखी है और कुछ मीठा बना रखा है, सेमिया बना रखी है। बाकी पूरी वगैरह तो नहीं बनाया क्योंकि पूरी वगैरह कोई ज़्यादा खाता नहीं है। तो बाकी अब मम्मी भी तैयार हो रही है, सब तैयार हो रहे हैं, नित्या के पापा भी नहा रहे हैं, नित्या भी इधर चली गई है। तो जौ की बालियां ना मैं सुबह ही ले गई थी तोड़ के जब मैंने पूजा की थी। तो बाकी अभी नाश्ता तो नहीं हुआ है, लेकिन जौ की बालियां ना मंदिर में चढ़ा दी है। सबसे पहले ना मैंने कान्हा जी को जौ की बालियां चढ़ा दी है दो, तो अभी हम भी रखेंगे और नित्या को भी तैयार करती हूँ, रेडी करती हूँ, जल्दी से जल्दी उसे रेडी कर देती हूँ। उसके बाद ना उसके सर पे भी रखेंगे, मिठाई वगैरह लगाएंगे। तो बाकी मम्मी रखेगी सबके सर पे। तो अब चलती हूँ मैं अंदर और नित्या को भी लाती हूँ, उधर चली गई है। और आज का मौसम आप लोग देख सकते हो, खिलखिलाती वाली धूप आ रही है, देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे ना मैंने पूरी तैयारी कर दी है और बाकी मम्मी भी आ गई है, नीता भी तैयार हो गई है यहाँ पे। उसे आज फ्रॉक बनाई, उसकी छोटी वाली फ्रॉक बनाई, क्योंकि बड़ी फ्रॉक ना बोलती है मतलब बच्चों को ना अलझेल होता है, उसे मैंने छोटी फ्रॉक बनाई है। तो यहाँ पे ले आई मैं टीका जौ और ये मुंह मीठा करने के लिए। पहले भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद ना मुंह मीठा करेंगे मम्मी नित्या का, क्योंकि सबसे छोटी नित्या है हमारी फैमिली में, है ना मम्मी? हाँ, पार्टी में जा रही हूं। तो अभी सबका लगाएंगे, सबसे पहले ना नित्या से स्टार्ट करते हैं। पाई पाचानी माऊ की माटी हरियाली जाऊगी, पाई पाचानी माऊ की माटी हरियाली जाऊगी, आयो मैं नाचे ताको बाटू बाथे गे जाओ।
सर पे ना जौ रख दिए हैं और टीका भी लगा दिया है, तो मम्मी ने मम्मी का ना अब मैं करूँगी क्योंकि मम्मी का भी करना है, सब क्या करते हैं। सो गाइस हमारा काम सुबह का काम ना सारा कंप्लीट हो गया, नाश्ता पानी भी हो गया था और बर्तन वगैरह सब साफ हो गए हैं। और बाकी ना हमने यहाँ पे कपड़े धो दिए हैं, आप कपड़े ले जाते हैं छत में, कपड़े सुखाते हैं और बाकी नीचे तो गई है भाभी के यहाँ। और यहाँ पे पूजा भी धूप सेक रही है, मम्मी भी धूप सेक रही है और पापा गए हैं गाड़ी का काम कराने के लिए, मतलब अपना कुछ काम उनका गाड़ी का, और बाकी नीता के पापा चले गए हैं ड्यूटी, तो हम भी करते हैं अपने घर का काम। सो गाइस हमारा लंच बन के तैयार हो गया है और बाकी ना धूप बहुत ही तेज वाली धूप लग रही है, और बाकी ना कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ना हमने कल पूरा घर के सामान ना जहाँ हमने रूम ले रखा है वहाँ रखा है, और हमने एक बेड भी रख दिया है और बाकी जो भी सामान हमारा बाहर था ना वो सब सेट हो गया, लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई और इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि यह तो काम ही होता है, फिर वीडियो बनती है तो हमने पूरा सामान सेट किया और यहाँ खाली खाली हो गया आप देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ना पूजा होगी, जो गणेश पूजा होती है ना वो यहाँ पे होगी, और बाकी इधर साइड एक बेड रहेगा, ये यहाँ के कपड़े बिखरे पड़ रहे हैं तो ये भी साफ हो जाएंगे उसके बाद, हमने सारे तकिया वगैरह मतलब जो रजाई वगैरह ना इसी में रख दी है अभी, तो बाकी पूरा सामान रख दिया है अभी, और ये जो अलमारी है ना इसके ऊपर भी ड्रम रखे थे वो भी रख दिया है, और अभी एक बेड ना हमारा और जा सकता है, जो हमारा बैठक वाला बेड है ना ये भी जा सकता है, देख सकते हो हम लोग, देखिए ये बेड भी रखेंगे वहाँ और यहाँ पे सिर्फ सोफे रहेंगे फिर, क्योंकि ये होता है ना खाली खाली अच्छा लगता है, फिर अगर ज्यादा मेहमान आए तो कुर्सी रख देंगे और बाकी बेड वहाँ रख देंगे, वहाँ भी ना सोने के लिए हमें पूरा प्रबंध कर रखा है मैंने मेहमानों के लिए। तो बाकी आप खाना खाते हैं, आज बन रखी है मसूर की दाल और चावल, और यहाँ पे देखिए नित्या सब बैठ रखे हैं, मम्मी पूजा नित्या, मम्मी लगा रही है कपड़ों की तय क्योंकि मम्मी और पापा ना शायद आज जा सकते हैं, ये तो आ जाएंगे 3-4 बजे या तो कल सुबह जाएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है, बाकी हम खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी, तब मिलती है आपको थोड़ी देर में। सो गाइस दिन में ना हमने खाना खाया और उसके बाद रेस्ट किया, और बाकी अभी फिर से पूजा यहाँ पे ले आई है कॉफी, और यहाँ पे देखिए फिर से कचरी करके ले आई है, जब तक ये कचरी खत्म नहीं होंगी ना तब तक खत्म होगी, तो आज खत्म हो गया इनका काम, क्योंकि जब तक ये मतलब बहुत सारे लाई थी पूजा ही लाई थी ने, तो हम रोज शाम को ना मतलब कचरी तल रहे थे और फिर हम कॉफी पी रहे थे, और अभी भी ना कॉफी आई है यहाँ पे, यहाँ देखिए आप लोग ये देखिए मतलब आजकल मजे हो रखे हैं मेरे, कुछ दिन तक चाय और मम्मी ने पीले मम्मी बाहर पे ना नित्या को देख लिया, नित्या खेल रहे हैं ना बच्चों के साथ तो वहाँ पे है, और बाकी भैया को भी दे दिया चाय, भैया आ गए थे ड्यूटी से आज, और नित्या के पापा तो नहीं आए ड्यूटी से, अरे कॉफी कॉफी कैसी हो रही, मैंने बनाई तो अच्छी होगी, अच्छा हाँ वो तो है, खैर पूजा ने बहुत पूजा बहुत अच्छी कॉफी बनाई थी टेस्टी, और कॉफी के साथ ये खाने का मजा ही कुछ और है, खाली कॉफी नहीं पी सकते ना, पी सकते हैं वैसे लेकिन अच्छा लगता है। सो गाइस चाय पीने के बाद ना हमने यहाँ पे डेकोरेशन कर रखा है, और जो आजकल वीडियो बन रही है ना कार्ड की, हम कार्ड की वीडियो बना रहे हैं, कार्ड नहीं कार्ड बोलते हैं, कार्ड कार्ड की वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हैं हम डेकोरेशन किया है, तो जो वीडियो आएगी ना वो शॉर्ट में डाल मतलब शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी और आप लोगों को मिल जाएगा देखने को, और इंस्टाग्राम में भी डाल दूंगी, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हमने क्या क्या डेकोरेशन किया है। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं छत पे, और कार्ड का काम हमने कर दिया है, वीडियो तो बना ली लेकिन एडिटिंग ना बाद में ही करेंगे, तो अभी जा रही हूँ छत में कपड़े लेने के लिए, और बाकी मम्मी ना पहले से पहुँच रखे हैं कपड़े लेने के लिए, देख सकते हो आप लोग, और बाकी ना अभी धूप भी चली गई है, और बाकी ना आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कार्ड का काम मतलब कार्ड का जो वीडियो ना लेट क्यों बनाई, वो हमने इसलिए बनाई ना लेट क्योंकि आज है बसंत पंचमी और आज शुभ दिन भी है, तो हमने सब आज ही करेंगे, और बाकी जो हमारे जैसे जो पड़ोसी लोग हैं या फिर इधर उधर की नदी नदी लोग हैं ना उनको हम आज से ही कार्ड देना स्टार्ट कर रहे हैं, हमने सोचा था बसंत पंचमी के दिन से ना हम कार्ड बांटना स्टार्ट कर देंगे, तो बाकी पूजा ना अभी नाम वाम लिख रही है नीचे,
नाम लिख देंगे ना, फिर उसके बाद देने के ये काम रहेगा, क्योंकि टाइम भी अब कम ही बचा है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, 10-15 दिन रह गए हैं, गिने चुने दिन रह गए हैं। तो बाकी आप कपड़े ले लेते हैं, तो बाकी ना मम्मी से पूछते हैं मम्मी को कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको है? अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इमोशनल वाली फीलिंग तो नहीं आ रही? नहीं तो। कि पूजा की शादी हो रही? कि मैं कर रही हूं ना कि अपनी बेटी की शादी तो संसार ने कर रही संसार ने कर रही है, तो रीति चली आ रही। आज हमारी है तो कल तुम्हारी है, सही बात, चलते आ रही। सही बात। तो बाकी ना मम्मी के कपड़े देख सकते हैं हम लोग, पूरा एक भंजा ले रही है मम्मी, बहुत सारे कपड़े ले गई, और मेरे पास भी ना बहुत सारे कपड़े देख सकते हो आप लोग। और शाम का मौसम ना आप लोग देख सकते हो, धूप चली गई है। मैं भी कपड़े नीचे ले जाती हूँ, और उसके बाद फिर दिया बत्ती करेंगे, और जो भी होगा दूध वगैरह भी लाना है मुझे अभी। कार्ड का काम तो पूजा कर रही है, लेकिन बांटने का काम ना कल से स्टार्ट करेंगे, फिर जब से ही करेंगे, स्टार्ट तो कर दिया है हमने। बड़े पड़ोसियों को बांटेंगे, फिर जो दूर दूर है ना, जैसे कुछ रिलेटिव है हमारे यहाँ दूर दूर, तो उनको भी देंगे। बाकी दूर दूर जो बहुत दूर के होते हैं ना, उनको तो फोन पे दे दिया है, कुछ को दे दिया है, कुछ को अभी रह गया है, बाकी बहुतों को ना दे दिया ज्यादातर। तो बाकी आप चलते हो मैं नीचे, और खाना पीना बनाएंगे थोड़ी देर में। तो बाकी आज की वीडियो को ना इतना रखते हैं, आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं सरोज मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।